$314 एक पाई की कीमत। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क की कीमत कितनी आ चुकी है, मार्केट में क्या वाकई लॉन्च हो चुकी है या लॉन्च हो चुकी है तो कितनी है इसकी प्राइस, यहां से आप क्या क्या चीज ले सकते हैं, ये इसका क्या प्रोसेस है कि यहां से आप अपने जो क्वीन है उनका विड्रॉल कर सकते हैं या उनको निकलवा सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतजार फैला रहे हैं कि इसकी प्राइस इतनी आ चुकी है, इसकी प्राइस इतनी आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी आएगी, कितनी है और लोग कितनी बता रहे हैं और इस यहाँ से आप क्या क्या अपने कोइन से ले सकते हैं और इनका विड्रॉल कैसे आपको पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है देगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आपको बताते हैं कि पाई चेन माल से आप अपने क्वीन सेंड करके वहां से प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क की जो ये आपको बताया जाता है कि पाई चेन माल, पाई चेन माल पाई नेटवर्क का ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहां से आप पाई चेन माल के ऊपर जाके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले आपको नजर आती थी कि $100 में आईफोन 30 प्रो मैक्स आपको मिल रहा है, $95 में आपको बुलेट मोटरसाइकिल मिल रही है, तो ये सारा कुछ फेक था जिसके ऊपर, मतलब इनके ऊपर एक साइबर अटैक भी हुआ था जिसकी वजह से बड़े बड़े जो प्रोडक्ट थे जिनकी प्राइस ज्यादा बताई जा रही थी $100, मतलब इस तरह के अब तकरीबन $15 से ज्यादा यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको यहाँ से मिले, $15 से कम की प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्री में ये यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से कंट्री में पाई नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं पाई नेटवर्क किन कंट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाई नेटवर्क चाइना में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाई, जैसे मेरे क्वीन आपको स्क्रीन पे भी नजर आए होंगे, आपके क्वीन है, जितने भी आपके क्वीन है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको मतलब आप ये समझ लें कि यहाँ से आप कोई भी चीज वहां पे चाइना में आप जाते हैं मॉल में तो लेने के लिए जाते हैं, आपको क्वीन देने पड़ते हैं, ना कि आपको मनी देनी पड़ती है, ना कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। सबसे पहले चाइना, निगोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऐसा ऐसा ये इंडिया में भी लॉन्च होती जा रही है। इंडिया में कुछ ऐसे, एक तो इंडिया में रेस्टोरेंट बना था उसकी 1000 पहले आपको फीस देनी पड़ती थी, उसके बाद एक दो दुकानें भी बनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कौन सी दुकान है, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको तो बेहतर पता होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में फिलहाल इसकी कोई ब्रांच, कोई शॉप, कोई मॉल लॉन्च नहीं हुआ और ना ही आपके यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जिसकी यहाँ पे KYC कंप्लीट हुई है। KYC कंप्लीट जब तक नहीं होगी तो आप यहाँ से कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। यहाँ से आपके कोइन होते हैं जिनको आपने लॉकअप में रखा हुआ है और कुछ ऐसे हैं जो आपने बचा के रखे हैं। जो लॉकअप में है वो आपने 1 साल के लिए रखे हैं, 6 महीने के लिए, या फिर आपने उनको 2-3 साल के लिए रखा था। जब तक आपका ये पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कोइन आपके यहाँ से नहीं निकल सकते, जब तक आपका पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। जब आपका पीरियड कंप्लीट होगा तो वो कोइन ऑटोमेटिक आपके वैलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वहां से आप माइग्रेट कर सकते हैं जिस जो चीज आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे पाई चेन माल को ओपन करके मैंने दिखाया हुआ है, आपने गूगल में जाके लिखना है जस्ट पाई चेन माल। जो ही आप पाई चेन माल लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे जो मैंने ओपन की है ये आपको नजर आएगी, आपने ओपन करनी है। यहाँ आपको तरह तरह के प्रोडक्ट नजर आते हैं जो आप यहाँ से परचेज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रहे कि ये जो पाई चेन माल है पाई नेटवर्क का ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि जाके यहाँ पे आपको जो अकाउंट का ऑप्शन नजर आता है जहां पे आपने जाके लॉग इन आपको लिखा हुआ नजर आता है कि आप यहाँ पे लॉग इन करें, अगर आप लॉग इन करते हैं, अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके जो क्वीन है वो हैक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पाई नेटवर्क का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, ये पाई नेटवर्क के जो फैंस हैं उन लोगों ने ये अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, या कहीं दुकानें बनी हुई हैं तो पाई नेटवर्क के मतलब फैंस हैं उन लोगों ने बनाई हुई है। पाई नेटवर्क की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो अभी तक ओपन हो चुकी हो जहां से आपको कुछ मिलता हो। तो ये पाई चेन माल जो है ये ओरिजिनल मुझे नहीं लगता, अगर आपने इसके ऊपर लॉग इन कर लिया तो आपके कोइन जो है वो हैक भी हो सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप
फिलहाल रुक जाएं। जब इसकी इस तरह की कोई अपडेट आएगी मैं आपको लाजमी दूंगा। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रख लेना है, जो भी इस तरह की अपडेट आती है वो आपको यहाँ पे पहले मिल जाती है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।